केंद्र समेत देश के कई राज्यों में सत्ता चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, हमें हर संप्रदाय का समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी के 41 वर्ष इस बात की साक्षी हैं कि सेवा कैसे की जा सकती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी आगे बढ़ती है। देश के हर राज्य जिले में पार्टी के लिए कई पीढ़ियों ने काम किया है। स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित जिला मुख्यालय पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा की मौजूदगी में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को ऑनलाइन देखा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा ने कहा, अपना योगदान देने वाले हर व्यक्ति आदर पूर्वक नमन। श्यामा प्रसाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय अटल बिहारी वाजपेयी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, राजमाता सिंधिया जी, ऐसे अनगिनत महान व्यक्तित्वों को बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पार्टी को आकार देने वाले, पार्टी को विस्तार देने वाले हमारे आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जैसे अनेकों वरिष्ठों का आशीर्वाद भी हमें लगातार मिलता है। पार्टी को अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे हर वरिष्ठ जन को भी अपना दल से बड़ा देश, ये परंपरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक चली आ रही। आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को संवैधानिक अधिकार दे पाए, हम सभी ने देखा कि कैसे अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरना स्वीकार कर लिया, लेकिन पार्टी के आदर्शों से समझौता नहीं किया। आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कैसे कैसे कष्ट से लोकतांत्रिक नैतिकता के कैसे कैसे उदाहरण दिए। हमारे देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलों के टूटने के अनेकों उदाहरण, लेकिन देश लोकतंत्र के लिए दल के विलय की घटनाएं शायद ही कहीं नजर मिलेगी। भारतीय जनसंघ ने ये करके दिखाया। जनसंघ से लेकर अभी तक ये तप, ये तपस्या हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा। साथियों, पिछले साल कोरोना ने पूरे देश के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया। तब आप सब अपना सुख दुख भूलकर देशवासियों की सेवा में लगे रहे। आपने सेवा ही संगठन का संकल्प लिया और उसके लिए आप डटे रहे, लगे रहे और लोगों की सेवा करते रहे। जो काम आप गांव गांव में शहरों में कर रहे थे, घर घर पहुंच रहे थे, वैसा ही कुछ काम अंत्योदय की प्रेरणा से भाजपा की सरकार चाहिए अपना दायित्व निभा गांधी जी की उसी लाख माइल
सुविधा मिले, हर गरीब को इलाज की सुविधा हो, हर गांव में हॉस्पिटल हो, हमारे केंद्र हो, राज्य हो, हम सब मिलकर दिन रात सबसे बड़ी वजह ये संगठन में रहते हुए भी कार्यशैली है। हम किसी से कुछ भी छीनते नहीं और छीने बिना भी दूसरे के उसे मिले इसलिए अब हर व्यक्ति तक उसकी आवश्यकता पर पूरी संगठन से जुड़ा है। हमारे देश में 80% से ज्यादा छोटे किसान, इन किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है। पहले जो सरकारें थी उनकी प्राथमिकताओं में ये छोटे किसान, इन छोटे किसानों की जरूरतें ये कभी नहीं रहे, लेकिन बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में छोटे किसान, सरकार के परफॉर्मेंस के नाते ज्यादातर कौन सरकार इतनी बड़ी घोषणा करती रही है उसके ही आसपास रही के 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश में इस स्थापना दिवस को अति उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि जिस विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जनसंघ की स्थापना हुई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक विचारधारा को लेकर के एक संगठन एवं एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया था। आज भारतीय जनता पार्टी उसी अंत्योदय के मंत्र पर काम कर रही है और उसी आधार पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जनता के कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक, जो भी अंतिम व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं पूरी हो सकी। उसी आधार पर सरकारें काम कर रही हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज लगभग भारत में कई जगहों पे हमारी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो सारे कार्यकर्ताओं में एक अलग प्रकार का उत्साह है। क्योंकि कोई भी संगठन है, कोई भी दल है, जब उसकी स्थापना होती है तो एक स्थापना के समय एक अलग उत्साह होता है, और उसी स्थापना का चूँकि 41वां स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है, तो कार्यकर्ता अपने अपने घरों में झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रहे हैं। हर बूथ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ कमेटियां हैं, वो मिल करके अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। उसी क्रम में आज 10:30 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो है वो स्थापना दिवस के अवसर पर देवतोले कार्यकर्ताओं को, करोड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने संबोधन से सबको अभिसिंचित किया है, और भी इसी प्रकार से आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे।